खरगोन के सेंट थॉमस चर्च में 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आयोजन का हिस्सा बनकर सहभागिता निभाई। हम आपको बता दें कि सुबह से ही प्रार्थना, भजन, भक्ति का सराबोर दिखाई दिया। वहीं फादर के एस डावर ने सभी को क्रिसमस पर्व की बधाई दी। इस दौरान फादर संतोष ईशो द्वारा संदेश दिया गया। वहीं फादर अर्पित, फादर सुखनंदन सहित फादर आशीष मौजूद रहे। आयोजन में विधायक रवि जोशी ने केक काटकर पर्व की क्षेत्रवासियों को बधाई दी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। तो मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत ही बधाई देता हूँ कि आप लोग अपने मीडिया के द्वारा कई लोगों को ये खुशियाँ आप हमारे से ज़्यादा फैला रहे, इसलिए आपको, आपके परिवार को खुदा बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे। और इस लॉकडाउन बीमारियों के समय में भी बड़ी खुशी दिया है 2021 वर्ष में इस क्रिसमस के त्यौहार को मनाने के लिए। विशेष करके मेरा ये कहना है मेरे सारे अधिकारियों के लिए, प्रशासन और सरकार और सबके और हमारी जनता के लिए, पूरे जिले की जनता को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ सर थॉमस चर्च की ओर से। फादर के टावर मैं हूँ, मेरा नाम जो है, और मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए आप लोगों के सहयोग के लिए और पुलिस के सहयोग से और सभी के सहयोग से बहुत अच्छी खुशियाँ मिली। और ये खुशियाँ जो हम लोगों को दे रहे हैं, ये खुशियाँ सबसे पहले यीशु का जन्म हुआ उस समय सरहूतों के द्वारा ये खुशियाँ आई, क्योंकि इंसान ने ये खबर नहीं दिया था। और ये खबर जो है, जब चरवाहे एक भेड़े चराए थे, छोटे लोग थे, और उन लोगों को खबर सरदूतों से द्वारा संदेश दिया गया था कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। उद्धारकर्ता का मतलब मनुष्य पाप में गिरा हुआ था, उनको मोक्ष के लिए एक जरूरी था, इसलिए परमेश्वर ने ये उपाय किया कि इसलिए कि वो जो मसीह यीशु दुनिया में आया, ये एक उद्धारकर्ता का अर्थ होता है। मसीह हमारे जीवन के लिए, हमारे पापों के लिए जन्म लेकर बलिदान में होने के लिए भविष्यवाणी किया गया था वह पूरी होगा, क्योंकि मनुष्य जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब बनाने के बाद उन्हें बहुत अच्छा आज्ञाकारी शिक्षा दी और परमेश्वर के संगति प्रेम में बने रहना और उसकी अधीनता में रहना, पर तो मनुष्य परमेश्वर की अधीनता को छोड़ दिया, आज्ञाकारी बातों को भूल गया और शैतान की बातों में आके पाप में गिर गया। अब पाप के लिए और उपाय नहीं था, लोग इस संसार में अपने अपने उपाय कर रहे थे, भेड़ बकरी का बलि दान चढ़ाते, क्योंकि मनुष्य खुद पापी, परंतु एक पशु कोई अपराधी नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु अपने लिए वो बलिदान दे रहे थे, वो परमेश्वर को पसंद नहीं आया, इसलिए परमेश्वर ने यीशु को जगत में भेजा है ताकि वो मनुष्य के लिए जन्म ले और इसके बाद उसके बाद वो उस पर चढ़ के बलिदान दे ताकि मनुष्य को मुक्ति मिले। और ये मुक्ति के लिए कई साल पहले यीशु मसीह के पैदा होने से पहले यशायाह करके एक भविष्यवक्ता था, उसने 740 साल पहले यह भविष्यवाणी किया था कि कुमारी लड़की गर्भवती होगी, उसके द्वारा एक बालक उत्पन्न होगा वो मनुष्य के पापों के छुटकारा के लिए। इसलिए ये खुशी जो हमारे जीवन में है, ये खास ये संदेश पहुंचे लोगों के पास। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।